Hey guys, welcome back again new episode of technology. तो कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे और काफी तैयारी में होंगे पेपर की। ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में जो देखा है कि मोबाइल पर आप व्हाट्सएप और अगर इंस्टाग्राम कौन से भी ऐप का हो, नोटिफिकेशन आता है तो आपके मोबाइल पर एक ब्लिंक होता है उस ऐप का लोगो। तो ये आप अपने मोबाइल में कैसे ला सकते हैं, उसी टॉपिक पर बात करने वाले। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना टाइम पास करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और बताने वाला हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली ऐप ओपन करने के बाद आपको जो परमिशन है वो सब अलाउ कर देनी है और सिंपली सेकंड परमिशन भी अलाउ कर देनी है। उस ऐप के सामने का जो इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको इसे डिसेबल करने के लिए अगर ऑप्शनल है, अगर आपके फ़ोन में काम नहीं करता तो ये आपको करना है, अगर करता है तो आपको कुछ नहीं करना। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। तो सिंपली ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कई सारे जो ऐप्स आपके मोबाइल में है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कई सारे ऐप्स। तो आपको सिंपली जो ऐप के लिए आपको नोटिफाई चाहिए, मतलब आपको जो सिंबल दिखना चाहिए उसको आपको इनेबल कर देना है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो जैसे कि आपको सोशल मीडिया ऐप्स हो तो आपको उसे सिंपली इनेबल कर देना है। अगर आपको दूसरे ऐप का भी चाहिए तो आप उसे भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे ऐप्स मिल जाते हैं ए टू जेड, जितने भी आपके मोबाइल्स में है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ऐप है उसे इनेबल कर देना है। तो सिंपली इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे आप इनेबल करते हो तो साइड में आपको दिखाई देता है एक्टिव, तो यहाँ पे इसे भी इनेबल कर देना है। और उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में चले आने के बाद यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन से, मतलब एलईडी साइज, ब्लिंक, या आपको ये कॉमन है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको करना है शो नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको ये फ्री में लेने के लिए वॉच ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 सेकंड्स की ऐड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रो वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली ऐड देखने के बाद ये जो है आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे सिंपली इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये फीचर आपके मोबाइल पर लग चुका है। अभी आपके जो भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के मैसेज आएंगे तो कुछ इस टाइप में दिखाई देंगे। तो ये वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।